सुनिए, हमें ना चटपटा चाट खाने का मन कर रहा है। वो देखिए उधर बेच भी रहा है। खाए? छेदी, गाड़ी रोक, हम चाट खाकर आते हैं। खाएंगे, आपको हमारे साथ खाना पड़ेगा। ये सब मैं नहीं खाता, तुम प्लीज खा लो अकेले। कभी तो हमारी बात मान लीजिए, थोड़ी ना एक दोना में खाने के लिए कह रहे हैं। बस खा लीजिए, चल फटाक से 2 प्लेट लगा, एकदम तीखा और दूसरा थोड़ा मीडियम। सृष्टि जी लीजिए, शरबत पीजिए। हमें नहीं चाहिए। अब क्या करें, हम ही पी लेते हैं, पैसा नहीं बर्बाद कर सकते ना, बड़ा मेहनत से कमाया जाता है। लीजिए भैया। चलिए ड्राइवर साहब। बढ़िया है ना? जो दुल्हन जैसा जा रहे, त्रिभुवन कार है, दो मुआ साहब का सोचे, मुंह छुपाओगे तो हमको धोखा दे दोगे का? कहना कि हम एक डील फाइनल करने के लिए जा रहे थे, आपका पैसा नहीं दिया ना, इसलिए भाग रहे थे। भाग रहे थे? अच्छा चलो भागो भागो, हम भी देखे कैसे भागते हो। बंदूक दे छेदी। लीजिए दीदी। आज जिस कुकुर मुता को बेखुन पहुंचाई देते हैं। बहुत मिस्टेक हो गया हमको, हमें बख्श दीजिए प्लीज। इसमें का है छेदी, देख का इसमें, देख कुछ नहीं इसमें, बताइए। अरे तू जमीन का डील कहीं और कर रहा था? मन तो कर रहा है गाड़ी से बांध के ना पूरा पकफेरा कर, पर उसमें का है ना कि हमारा सगुन बिगड़ जाएगा। चल बैठ गाड़ी में, आज तुम्हारा हिसाब जो है ना वो हम नहीं हमारे बाबूजी पूरा करेंगे। माफ कर दीजिए हमको। बाइक गाड़ी में। बहुत भारी गलती हो गया हमसे। रागिनी हर जगह तमाशा करने की जरूरत नहीं है, प्लीज जाने दो उसे। चलिए आप कुछ तो बोले, आपका कहा सर आंखों पर। ए हमारे मिस्टर आज पहली बार हमसे कुछ मांगे। चलो छोड़ दिया, भागो। अरे जा ना, भागिए भागिए। चले ये लो। अरे आप यहाँ क्यों बैठे, आप गए क्यों नहीं? हम रागिनी जी को अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ से भागते तो कहीं और पकड़े जाते। अब हम आपके साथ ही चलेंगे, अब हमारा फैसला विकराल जी ही करेंगे। माँ, क्या हुआ माँ? बेटा विद्वान, आप रो कह रही हैं माँ?
पूछा नहीं, बस आज बहुरियों के पग फेरा से हमको हमारी बेटी रोहिणी का याद आ गया। सही कहा अम्मा, कल हरिहर ने आके सब एकदम ताजा कर दिया। क्या बोले, कल सुबह से हमारा दिमाग में भी यही सब बात चल रहा है कि रोहिणी को लेके कहीं ना कहीं शायद हमसे थोड़ा गलती हो गया। अम्मा कहा ना, हम लोग उसे कोई जरूरत नहीं है किसी का गलती सुधारने का। पहले से इस घर में बहुत बवाल मच चुका है, अब कोई नया मुसीबत हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। कहा है भाई, हम कोई मुसीबत का नहीं, अपनी बहन का बात कर रहे हैं श्रीमती जी। वही बहन जिसके पति के वजह से आज आपका लड़का आपके सामने खड़ा है, समझिए आप। लीजिए देवर जी, आप भी सुन लीजिए, इतना अपना मन का करके भी इनके मन को चैन नहीं मिल पा रहा है कि अब रोहिणी को भी इस घर में लाना चाह रहे हैं। लगता है मान अपमान सब कुछ भूल बैठे हैं। भैया हमको समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। आप भुला गए होंगे पर हमको सब याद है, उही के कारण ही पूरे पूरे जवार में पूरे समाज में आपका उठना बैठना बंद हो गया था। जानकारी पोत गई है ना आपके मुंह पे, आप भूल सकते हैं पर हम नहीं। अब तक तो सृष्टि को आ जाना चाहिए था ना, कितना टाइम हो गया देखिए तो सही। आप बैठिए, हम आपको समझाते हैं। अरे समझाने का समय नहीं है, आप सृष्टि को फोन लगाइए ना। आप हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है सृष्टि? अब आज के बाद हमारी सृष्टि आ गई। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। सृष्टि बेटा कितनी देर लगा दी, हम लोग कब से राह देख रहे तुम्हारे। हम अंदर आ जाएं? अरे ऐसे थोड़ी ना आया जाता है, हमारी बिटिया और हमारा दामाद हमारे घर पे पहली बार आए हैं, तो बिना आरती के तो हम अंदर नहीं आने देंगे ना। तुम यहीं रुको, हम आरती लेकर आते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ। अच्छा छोड़ो, वैसे भी आजकल ये सब कहाँ होता है ना, तुम ये बताओ कि वहाँ तुम्हारे ससुराल में सब कुछ ठीक है ना, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बेटी जी, उक्का है ना कि आप लोगों ने सृष्टि जी का शादी हमारे साथ करा दिया ना, इससे थोड़ा नाराज हैं। लेकिन आप परेशान मत होइएगा कि हमारी दादी ने इनको समझाया है, तो इनका गुस्सा कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब कहा है कि थोड़ा टाइम तो लगता है ना। विशु बाबू आप भी अंदर कमरे में जाइए, हम आपके चाय नाश्ता का इंतजाम करते हैं। हम ना सृष्टि जी के कमरे में नहीं जाएंगे, वो कहे कि वहां अपने यहाँ भी हम उनके कमरे में ज्यादा नहीं जाते। ये लोग अब तक आए काहे नहीं? हुजूर,
हुजूर, हुजूर हमें बख्श दीजिए, हमें माफ कर दीजिए हुजूर, हमारी हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। बाबूजी कहा है कि जो त्रिभुवन है हमें रास्ते में मिल गया था, तो सोचे कि आपके लिए गिफ्ट ले आते हैं, और वैसे भी बहुत लकी है हमारे लिए, जब भी मिलता है ना हमारे मिस्टर हमारे आसपास ही रहते हैं। तो ऐसा है तो एक काम करते हैं, इसको तुम्हारा कमरा के बाहर बांध देते हैं। काजी जाजी सब का बात लगा रखा है, चलो अंदर चलो। वेलकम हमारे जीजा जी, जीजा जी वेलकम। अरे 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 जीजा जी वेलकम हमारे जीजा जी, डोंट डू दिस। हमारे जीजा जी वेलकम। अरे 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 हमारे दामाद को परेशान मत करो, चलो हटो हटो हटो। चलिए इसको बांध के रखो, इसका हिसाब किताब बाद में करेंगे। अरे हाँ अम्मा, आप जो गिफ्ट दिए हैं ना सासू माँ के लिए, उनको बहुत ही अच्छा लगा। और सबका व्यवहार कैसा है ससुराल में तुम्हारे साथ? आज से मैं तुम्हारे लिए वो मूरत हूँ जो तुम्हारे सामने रहेगी, लेकिन तुम उसे कभी जान नहीं पाओगे। मैं कहने को तो तुम्हारे पास तुम्हारा पति, लेकिन तुम्हारा तुम्हारा कभी नहीं होगा रागिनी, कभी नहीं। बहुत अच्छा है, हमारी सासू माँ है ना, वो तो हमारी सेवा में ही लगी रहती है, और उनकी सासू माँ हमें ज्ञान देती रहती है, और दिव्या और दुलारी नहीं है, वो तो हमें घेरे ही रहती है। आप बस ये समझो कि हमारे ससुराल में सब ललंटा। और अनुराग बाबू, आप आपके सामने बैठे हैं, आप खुद ही पूछ लो। हम ना हमेशा सच बोलते हैं और किसी से नहीं डरते, और सृष्टि जी ने भी हमको बताया है कि सच कहने में ना किसी से नहीं डरना चाहिए। काकी सृष्टि आई? हाँ बेटा, वो अपने कमरे में अंदर। अरे जीजा जी, ऐसे काहे में गुमसुम काहे बैठे हुए? अरे आपके लिए इतना अच्छा अच्छा नाश्ता। चलिए अच्छा ही बताइए आप खाएंगे क्या? बस अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, थैंक यू। अरे ऐसा कैसे नहीं खाएंगे, चलिए कुछ तो खाना पड़ेगा। गुलाब जामुन खाएंगे आप? नहीं थैंक यू। नहीं गुलाब जामुन तो आपको खानी पड़ेगी हमारे हाथ से। देखिए मैं कुछ नहीं खाऊंगा। चलो 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 चलो, अब बहुत हो गया मजाक, अनुराग बाबू को अकेला छोड़ दो। अरे काकी अभी मजाक किए कहाँ है, अभी तो अपने जीजा जी को नाश्ता करा रहे, अभी तो मजाक बाकी है। एप्पल वो खाएंगे फ्रेश, एकदम फ्रेश। अच्छा तो आप बताइए आप क्या खाएंगे, बस हम बताएं, हम बना देंगे फटाफट, बना देंगे आपके लिए। अरे
त्रिभुवन कुछ बता ही नहीं रहा है कि किससे डील करने वाला था। हमको लग रहा है कि कुछ दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे नहीं बताएगा, अरे तुम ना धमका के पूछ रहे हो उससे। चलो हम प्यार से पूछते हैं। तो आप लोगों का फोटो है ना? हाँ बेटा। आप तो बिल्कुल हमरे जैसे स्मार्ट लग रहे हो। बताइए हमको, आप पूरा विदेश विदेश घूमे होंगे है ना, लेकिन हमने रागिनी पे आपका दिल कैसे आ गया? अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा, हमारी रागिनी है ही ऐसी, सीधा दिल पे गोली मारी हो क्यों जीजा जी? अनुराग बाबू आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करना है। बात किस्मत की नहीं है, हमारा तमाशा हमारे अपनों की वजह से हुआ है। दोष किसे दें? दीशु को सुमेर भैया उठा के ले आए, शादी के लिए मजबूर पापा ने किया। हम तो घर वालों को भी दोष नहीं दे सकते हैं, पर एक बात हमारे समझ में आ गई, ये दुनिया में ना सब काम हो सकता है, बस सोचा हुआ काम नहीं हो सकता, हमें समझौता करना ही पड़ता है। जो अब तक नहीं हुआ है वो आगे भी ना हो, ऐसा नहीं होता। हम अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद होने नहीं देंगे। जिंदगी में ना कोई चीज आदमी का कमजोरी होता है तो कोई चीज आदमी का ताकत। हमारा बेटा पराग हमारा कमजोरी है, लेकिन हमारी बिटिया रागिनी वो हमारा ताकत ही नहीं गुरूर भी है। जान से भी ज्यादा चाहते हैं हम अपना बिटिया को। जिंदगी में उसके मांगने से पहले सब कुछ उसको ला के दिए हैं हम। सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन उसका आंख में आंसू नहीं देख सकते। सही कह रहे हैं, मेरे पापा भी कुछ आप ही की तरह हैं। बचपन से लेके आज तक उन्होंने हमें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। जब मैंने लंदन जाने की बात की तो अपने गांव की जमीनें तक बेचने को तैयार हो गए थे। आज तक कोई भी दुख दर्द हमारे आसपास उन्होंने आने नहीं दिया। लेकिन क्या करें, जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है। किस्मत में जो लिखा था वो हो चुका है। अच्छा एक बात बताओ, ये विशु बाबू के साथ कैसा संबंध है तुम्हारा? उस बेचारे को तो मालूम भी नहीं है कि क्या हुआ है। संबंध समझने की बात तो दूर है, उस पर भी ये सब थोपा गया है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम अपनी जिंदगी में किस्मत को और मनमानी नहीं करने देंगे। अब हमारा पूरा ध्यान हमारे फाइनल एग्जाम पर है, फिर देखते हैं क्या करना है। हम थोड़ा आपसे जरूरी बात करना चाहते हैं। कहें। कभी कभी जिंदगी में ना ऐसा हालात आ जाता है कि हमें वो काम भी करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, बिल्कुल भी नहीं। बोलने का मतलब क्या है तुम्हें? अरे हम तो बस यही कहना चाहते हैं आपसे कि कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की समझदार हो। अब हमारी रागिनी को देखिए ना, वो बचपन से इतनी समझदार है कि कॉलेज जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। अरे
पूरा जिला जवार में उसका तूती बोलता है, हमसे ज्यादा उसका इज्जत है। अभी क्या बोलते हैं, अरे ला पढ़ लेती तो बर्बाद हो जाती ना है? आप हमारी बहन के टैलेंट को समझिए और खुश रहा करिए कि आपकी जिंदगी में उसकी जैसे इतनी खूबसूरत लड़की आई है। माफ कर दीजिए हमको। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं करे। अरे ए जीजा जी, अरे सुनिए, अरे भाई